अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी सब कैसे, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आ गई हूँ जी आज एक और नए व्लॉग के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कॉमेंट भी कर दीजिएगा। आज मैं जा रही हूँ शादी पे, तो अभी जो मैंने अपना ड्रेस निकाला है पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ, उसके साथ जो मैंने ज्वेलरी वगैरह मैच किया है वो दिखाती हूँ और फिर जो है हम अपने मेकअप ट्यूटोरियल की तरफ आते हैं। जी तो आज है मेहंदी का फंक्शन, तो मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है अपना। सबसे पहले तो जी ये शर्ट है, ये इस तरह से इसकी नेकलाइन है सारा, इस पर ये सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ हुआ है, कलर बहुत प्यारा है। और ये जो स्टफ़ है ये वो खड्डी नट जो होता है, खड्डी नट ये वो वाला स्टफ़ है। और ये है जिसका दामन, ये इसकी लेस, ये एक और लेस और ये नीचे दुपट्टे का सेम पैच। ये ऑर्गेंजा मैंने खुद लगवाई थी। इस तरह की जो शर्ट्स होती हैं ना उनकी हम लेंथ लंबी नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी उनमें दामन भी बना हुआ होता है और ऊपर नेकलाइन भी बनी हुई होती है, तो ये यहाँ तक लेंथ आ रही थी। तो ये पहले मैंने लेस लगवाई थी लेकिन फिर भी मुझे शर्ट की लेंथ जो है वो छोटी लग रही थी। फिर मैंने ये ऑर्गेंजा का पैच लगवाया है, फिर एक लेस लगवाई है और फिर मैंने दुपट्टे की जो ये वाली पट्टी है ये दोनों साइड पर थी दुपट्टे के, तो एक साइड से मैंने उतरवा के तो ये मैंने फ्रंट बैक शर्ट पे इस तरह से लगवा दी है। तो इस तरह ना शर्ट की लेंथ जो है तकरीबन 8 इंच लंबी हो गई है, 4 इंच ये हो गई है, 3 इंच मतलब 7-8 इंच फिर भी लंबी हो गई है शर्ट की लेंथ। तो ये साथ है जिसका दुपट्टा। तो मेहंदी पे जो है ये फ्रेश फ्लावर्स की ज्वेलरी वगैरह अच्छी लगती है। ये ले आए हैं जी मेरे हस्बैंड गजरे और ये बहुत अच्छे लगते हैं मेहंदी के फंक्शन पर। मैं कोई चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहन रही तो यही गजरे ही पहनूंगी। तो पहले ये येलो ले आए थे, मैंने कहा भाई मुझे तो येलो नहीं पसंद, तो फिर वो दोबारा गए तो ये रेड और वाइट फ्लावर्स के साथ लाए हैं। पता नहीं मैं कौन से पहनूंगी लेकिन इसके साथ मुझे येलो अब ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो ये तो मैं एंड पे डिसाइड करती हूँ कि मैं कौन से पहनती हूँ। इसके अलावा ये वाला मैंने हैंड बैग निकाला है इसके साथ, ये कुछ मैच जा रहा है इसके साथ ना, ये जो उसका सितारा है इसका कुछ गोल्डन वार कुछ शाइन शाइन जा रही है, बस गुजारा कर ही लेंगे। साथ मैंने इसके साथ शलवार बनवाई थी, ट्राउज़र नहीं बनवाया था। और ये ज्वेलरी मैंने इसके साथ निकाली है, ये मैंने जी ज्वेलर से मंगवाई थी, ये इस तरह से बहुत प्यारी बनी हुई है, इसके स्टोन्स बहुत प्यारे हैं। अच्छा ये जो थी ना ये बिंदिया थी और ये दो जो थे इसके एयरिंग्स थे। ये है एक एयरिंग इस तरह से पीछे से, ये एयरिंग्स हैं इस तरह से बहुत प्यारे थे, मैंने ऑनलाइन देखे थे मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, तो ये मैंने इनसे मंगवाए थे। एक साल हो गया इन्हें मंगवाए हुए लेकिन आज मैं पहली दफ़ा इन्हें पहनूंगी। और ये जो थी ना ये इसके साथ बिंदिया थी लेकिन इतनी बड़ी बिंदिया मुझे बहुत ओवर लग रही थी, तो मेरे पास एक मोतियों वाली माला पड़ी हुई थी तो इस पे से वो लेयर उतार है ना मैंने पर्ल्स की एक लगी हुई थी, तो इसको मैंने यहाँ से काटा, इसको मैंने यहाँ से ओपन किया और ये मैंने इस पर ये वाली जो है ना माला परो के, तो इस तरह ये मैंने पेंडेंट बना लिया इसका क्योंकि शर्ट ज़रा सिंपल सी है तो उसके साथ ये अच्छा लगेगा। और साथ इसके मैंने ये दो झूमर निकाले हैं, पता नहीं पहनती भी हूँ कि नहीं लेकिन मेरा दिल कर रहा था वैसे ही तैयार होने के लिए, देखेंगे लगा के अगर अच्छे लगे तो पहन लेंगे। तो एक झूमर मैंने ये निकाला था और एक ये, लेकिन मुझे ज़्यादा मैच होता हुआ ना ये नज़र आ रहा है, ये देखें इसके साथ मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इस तरह ज्वेलरी की बात की जाए ना तो ये ज़्यादा मैच हो रहा है। ये मैं देखती हूँ कि मैं पहनती भी हूँ कि नहीं, लेकिन ये मेरे पास दो ऑप्शंस थी तो मैंने निकाल के रख लिए हैं, तो टाइम वेस्ट किए बगैर जी अब तैयार शहर होते हैं ना, तो मैं आपको भूल ही गई। तो इसके साथ मैंने ये वाले जो है ना जूते मैच किए हैं जी। तो मेकअप ट्यूटोरियल को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं लेंस लगा लूँगी जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ, और उसके बाद अब मैंने लगाई है जी यहाँ पर टॉप फेस की पोर मिनिमाइजिंग क्रीम। तो अच्छे से मैं इसको अपने फेस पे लगा के ना 5 मिनट्स के लिए छोड़ देती हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी ओपन पोर्स हैं, इस वजह से ज़रा 5 मिनट में वो अच्छे से सेट हो जाती है। देन अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी जी टॉप फेस की इन स्टाइल जो इनकी बीबी क्रीम है वो, एक तो इनकी बीबी क्रीम है वो बहुत लाइट आती है, डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो ब्लैक ट्यूब में है ना ये बहुत अच्छी है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। शादी वगैरह पे जाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, बहुत लाइट कवरेज है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, बिल्कुल नहीं लगता कि आपने जो है ना एक्स्ट्रा कोई ओवर फाउंडेशन वगैरह लगाई हुई है, बहुत ज़बरदस्त ये ब्लेंड हो जाती है। जितनी देर आप मर्जी इसको जो है ना अपने फेस पे लगा के रखेंगे बिल्कुल ग्रे नहीं होती। ब्रांड की चीज़ का ये फ़ायदा होता है, एक बार थोड़ी महंगी ले लें एक तो वो काफ़ी अरसा आपका निकाल भी जाती है और जो है
उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सारे जो है ना अपने फेस पे अप्लाई कर ली थी बीबी क्रीम। अब बारी आती है जी ब्रशेस से अपना आई मेकअप करने की। ये ब्रश होल्डर मैंने दराज से मंगवाया था, तो अभी तो आधे ब्रश मेरे इसके अंदर आए हैं। तो खैर यहाँ पे हम आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हुदा ब्यूटी की पैलेट ले ली थी, आई शेडो पैलेट। तो सबसे पहले मैंने कट क्रीज बना ली, उसके बाद ये जो नॉर्मल शिमरी पैलेट होती है वो थी, तो इसमें से मैंने ये ग्रीन सा कलर जो है वो चूज़ किया था, क्योंकि मेरा ड्रेस भी इसी तरह का था। तो जितने मर्ज़ी ब्रशेज़ हों, जब तक फिंगर टिप्स के साथ मेकअप ना करें ना, तो तसल्ली ही नहीं होती कि भाई मेकअप हमने परफेक्ट किया है। और ये अब आई कॉर्नर्स पे मैं लगा रही थी जी हाइलाइटर, इससे यह है कि बड़ी अच्छी स्लीक सी लुक आ जाती है आईज़ की। और उसके बाद मैंने जो है बॉब का लाइनर अप्लाई किया है। जितनी देर लोग मेकअप करते हैं उतनी देर में मैं सिर्फ लाइनर लगाती हूँ, बाकी मेकअप मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन लाइनर में ना मेरी बहुत देर लग जाती है। खैर अब जाके मुझे थोड़ा बहुत लाइनर लगाना है, पहले तो बिल्कुल ही नहीं आता था। तो खैर यहाँ पे मैंने आईब्रोज भी सेट कर लिए, अंडर आई एरिया भी सेट कर लिया है, और लास्ट में मैं जो लूज़ पाउडर है उससे अपने फेस की सारी मेकअप की सेटिंग कर रही थी, कि जो भी आई शेडो वगैरह गिरता है ना अंडर आई एरिया पे, तो वो ज़रा अच्छे से सेट हो जाए। ये मैं लास्ट में कर रही हूँ, अभी देखने में आपको बहुत ओवर लग रहा होगा, ज़ाहिर अभी फेस की कंटूरिंग होनी है, ब्लश वगैरह लगना है, तो उसके बाद ना बहुत अच्छी सी लुक आ जाएगी, इतना ओवर नहीं लगेगा। अब आई मेकअप को थोड़ा मज़ीद शार्प करने के लिए मैं थोड़ा सा हाइलाइटर यहाँ पे लगा रही थी कि प्रॉपर सी एक लुक आ जाए आईज़ की। और भाई इसके बाद तो ब्लश तो सबसे मस्ट होता है, मेकअप का बेस्ट और मस्ट पार्ट होता है, इससे ना मेकअप की लुक भी बड़ी इन्हेंस हो जाती है। तो मैं यहाँ पे टिंट यूज़ कर रही थी, मैंने टिंट लगाया, उसको मैंने अच्छे से अब ब्लेंड किया है। उसके बाद मेरे पास ये रिवाज की पैलेट थी, इससे मैंने ये पाउडर कंटूर आज लगाया। वैसे आपने अक्सर देखा होगा मेरे मेकअप ट्यूटोरियल में मैं स्टिक वाला कंटूर यूज़ करती हूँ, लेकिन आज जो है मैं पाउडर कंटूर यूज़ कर रही थी। और अब बारी आती है जी मेरे फेवरेट हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर से ना मेकअप की बहुत ही मतलब एक लुक उठ के आ जाती है, जैसा भी आपका डल मेकअप हो ना, हाइलाइटर लगाओ तो बड़ी नीट सी लुक भी आ जाती है। तो हाइलाइटर भी हमारा डन हो गया है, तो अब लास्ट में रहेगी है जी हमारी लिपस्टिक। लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। वैसे यह है कि मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ मेकअप से पहले ही, लेकिन आज मैंने नहीं किए, क्योंकि मैंने देखा तो तीन बार मैंने पहले भी मेकअप किया है ना, तो जो हमारा नेक एरिया होता है वहाँ पे जब हम बेस वगैरह लगाते हैं ना, तो वो कमीज़ के गले पे लग जाती है। इस वजह से फिर आज मैंने शर्ट चेंज नहीं की कि भाई पहले मेकअप कर लें तो उसके बाद जो है ना मैं ड्रेस चेंज करूँगी। और यहाँ पे लिपस्टिक जो है हमारी डन हो गई है। लिप ग्लॉस जो है वो मैं लाजमी लगाती हूँ, उससे बड़ी अच्छी सी शाइन आ जाती है लिप्स में। मैट लिपस्टिक तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मेकअप हो गया है डन। अब जी ये देखें मैजिक, कपड़े हो गए चेंज। बाहरी आती है जी हेयर स्टाइल की। सबसे मुश्किल काम जो है ना मुझे हेयर स्टाइल लगता है, क्योंकि मुझे कोई हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता। तो यहाँ पे भी मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि क्या हेयर स्टाइल बनाऊँ। मैंने कहा भाई पहले ज्वेलरी वगैरह वेयर कर लेते हैं, देखते हैं कि फिर कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा। बाल जो है उनको टाई करना है कि ओपन ही रखना है। तो ज्वेलरी जिस तरह मैंने बताई है, मैंने जी से ज्वेलर से ली थी, और ये देखें जी ज्वेलरी हमने तकरीबन पहन ली है। और ये जो मैंने झूमर निकाले हुए थे, मैं बस रख के चेक कर रही थी कि ये कैसे लगेंगे। ये वाला झूमर जाना बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन मैंने पहनना नहीं था, बहुत ओवर हो जाना था। तो पहले ही ईयरिंग्स मैंने इतने बड़े बड़े पहन लिए थे, तो झूमर वगैरह बस मैं देख रही थी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। खैर मुझे वो वाला ज़्यादा अच्छा लगा है, लेकिन अगर लुक की बात की जाए तो इसका स्टाइल जो है ना ईयरिंग्स के साथ ज़्यादा मैच हो रहा था। एट द एंड हेयर स्टाइल कुछ समझ नहीं आया, तो बस पीछे से मैंने बैक साइड से थोड़ा सा पफ बनाया, और उसके बाद मैंने सिंपल ही जो है ना अपना हेयर स्टाइल बना लिया ओपन बाल करके। हेयर स्टाइल तो हर फिर भी कोई नहीं बना, तो ये पेंडेंट वगैरह पहन लिया, और ये है जी हमारी फाइनल लुक। मैं हो गई हूँ जी कंप्लीट रेडी। और मेरे ख्याल में तो घर में हम जैसा भी मेकअप करें ना, तो ज़रा तसल्ली रहती है बंदे को कि भी अच्छा हो गया। पॉलर्स वाली ना बहुत ओवर कर देती हैं। तो ये था जी मेरा आज का मेकअप ट्यूटोरियल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। जो भी मुझे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आती थी वो मैंने शेयर कर दी हैं। इतना अच्छा मेकअप तो खैर मैं खुद भी नहीं करती। मैंने भी जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये यूट्यूब से ही देख देख के सीखा है मैंने भी। मुझे सिंपल लिपस्टिक लगानी भी नहीं आती थी, लेकिन ये है कि अब गुजारा हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोज़ देखते हैं उससे चैनल पे बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।